जय महाकाल जय जयलामुखी आज मैं आपको एक विशेष वीडियो के विषय के बारे में बताने जा रहा हूं वीडियो कहता है कौन सी शक्ति करवाती है आपसे जितनी अधिक पूजा पाठ उतने ही अधिक झगड़े कौन सी शक्ति करवाती है इसके बारे में हम बाद में जानेंगे ये इस वीडियो का कंक्लूजन होगा अभी हम जानते हैं कि क्यों आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि घर में पूजा पाठ करने से लड़ाई झगड़े बढ़ना एक अजीब सी स्थिति हो सकती है क्योंकि पूजा और धार्मिक कृत्य शांति सामंजस्य और समृद्धि के कारण माने जाते हैं लेकिन अगर ऐसा हो रहा है घर में तनाव बढ़ रहा है विवाद हो रहा है तो फिर इसके पीछे कोई और रीजन हो सकते हैं कारण हो सकते हैं सबसे पहले रीजन हो सकता है गलत पूजा विधि और नियत यदि पूजा पाठ की विधि सही नहीं है या पूजा के दौरान किसी विशेष देवी देवता या मंत्र का प्रयोग गलत तरीके से किया जा रहा हो तो इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है पूजा का उद्देश्य सिर्फ आस्था और भक्ति होता है लेकिन अगर पूजा का उद्देश्य किसी को दबाव में डालना या किसी प्रकार की शक्ति दिखाने का हो तो इससे घर में तनाव और लड़ाई बढ़ सकती है नंबर दो में पारिवारिक मतभेद पूजा और धार्मिक कृत्य घर के सभी सदस्यों की सहमति और विश्वास से होना चाहिए यदि एक व्यक्ति अत्यधिक पूजा करने की कोशिश करता है और बाकी परिवार के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं तो इससे विरोध और मतभेद उत्पन्न हो सकता है यानी किसी सदस्य को लगता है कि पूजा उनके समय ऊर्जा या आराम में हस्तक्षेप कर रही है तो यह असहमति की स्थिति उत्पन्न कर सकती है कभी कभी पूजा पाठ की अत्यधिक निष्ठा और बलिदान करने की कोशिश में व्यक्ति अपने परिवार के अन्य सदस्य को अनदेखा कर देता है घर के कामकाजी तनाव बच्चों की देखभाल और अन्य दैनिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना घर में झगड़ों की वजह बन सकता है अगर पूजा पाठ के दौरान परिवार के सदस्य एक दूसरे से अपेक्षाएं रखने लगते हैं या किसी के बारे में शिकायत करते हैं तो घर में अशांति फैल जाती है तनाव बढ़ जाता है यदि पूजा के दौरान कोई नकारात्मक विचार दोषारोपण या असंतोष का वातावरण होता है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है जो झगड़े और विवादों का कारण बन जाता है इसके अलावा अगर पूजा का उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ हो जैसे या प्रतिशोध की भावना के साथ पूजा की जा रही हो तो इससे घर में तनाव और लड़ाई की स्थिति बन जाती है कभी कभी घर के एक सदस्य द्वारा अत्यधिक पूजा या व्रत करने के दबाव के कारण भी अन्य सदस्य महसूस करते हैं कि वे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं या उन पर किसी भी प्रकार का दबाव डाला जा रहा है तो यह मानसिक तनाव का कारण बन सकता है जो झगड़े का कारण बनता है अगर आपके घर में पूजा का स्थल यदि मंदिर सही जगह में नहीं है पूजा स्थान घर के दक्षिण पश्चिम या अन्य अशुभ दिशा में हो तो भी ये घर के वातावरण को प्रभावित कर देता है और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके घर में पूजा पाठ करते तो है लेकिन विश्वास नहीं है आस्था की कमी है या फिर कोई इंसान केवल इसे अपनी आदत मान रहा है कि जबरदस्ती में कर रहा हूं तब इससे तनाव उत्पन्न हो सकता है हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो कराती है देखिए ये कोई भी शक्ति हो सकती है अगर आप पूजा पाठ भगवान की करते हैं और उसके बाद भूत प्रेत भी पूछते हैं तो भूत प्रेत की शक्ति हो जाएगी अगर आप कहीं से भी उठा के कोई भी मंत्र कौतूहलवश या चैलेंज के रूप में करने लग जाते हैं तो वो भी शक्ति हो सकती है और आपके अंदर की बैठा हुआ शैतान भी हो सकता है क्योंकि आप हमेशा निगेटिव सोचते हैं और भगवान के ऊपर आपको विश्वास नहीं है तो आपका जो दिल और दिमाग है वो वही चीजें बना देता है तो ये कोई भी शक्ति हो सकती है या आपके घर के अंदर मौजूद हो सकती है आपके बाहर हो सकती है लेकिन अगर मैं बोलूं एक सीधा सीधे तरीके से इसका कंक्लूजन क्या है इसका उत्तर क्या है कि कौन सी हो सकती है तो मैं कहूंगा आप स्वयं है वो शक्ति है आप स्वयं वो राक्षस है जो पूजा तो कर रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है आपका ध्यान नहीं है और आपके अंदर का बैठा वो शैतान है ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें सुस्त रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे तो जय महाकाल जय मंगलामुखी